राज्य कर्मचारी संयोग परिसर की महत्वपूर्ण मीटिंग कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। लखीमपुर खीरी रविवार को राज्य कर्मचारी संयोग परिसर की एक महत्वपूर्ण मीटिंग कैंप कार्यालय सरफगंज में आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष श्री रईस अहमद उस्मानी द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को सुना गया। कर्मचारी हितों के लिए जल्द ही ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहमंत्री डॉक्टर विमल सिंह स्वास्थ्य विभाग, अखिलेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग, नरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग, कामनाथ शिक्षा विभाग, आलोक कुमार मत्स्य विभाग, शमसुद्दीन पिछड़ा कल्याण विभाग, रुपया तबस्सुम कृषि विभाग आदि कर्मचारीगण मौजूद रहे। हम ये बताएंगे कि ऐसा ही इसी आशय का एक शासनादेश बहन मायावती जी ने किया था कि सभी संगठन जो है एक साथ पे आकर के, और उसके बाद में जब वो ज्ञापन देंगे तभी ज्ञापन जो है उनका स्वीकार किया जाए। पूरे भारत में पूरे यूपी में उन्होंने किया था। उस वक्त मैं महासंघ में था और हमारे तमाम कार्यक्रम हुआ करते थे बराबर पेपरों के इंसान हुआ करते थे, तमाम पेपरों में हमारा सुनाया करता था। तो हम लोग ज्ञापन देने गए तो वहाँ पर बाकायदा जो है ज्ञापन लिया गया और वो शासनादेश जो है कारगर नहीं हो पाया, तो बात निकल के इसका बंटवारा कर दिया और अपने निजी स्वार्थों के चलते सभी ने अपनी अपनी एक तरह से परिषद शाखा बनाई। हमारे जनपद में भी वर्तमान में 4 शाखाएं हैं जो मेरे संज्ञान में हैं। और मैं शुरू से ये चाहता था कि जो कर्मचारियों को हित ही करने की बात है तो वो तीन भी एक जगह आकर मिलकर कर्मचारियों के हित